तो ये हमारे 2.0 की तरफ से एक अच्छी खबर है, और खबर है यहाँ पर 30,000 वैकेंसीज को लेकर के। और अभी 2-3 दिन पहले ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वैकेंसी का नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। एक जो है पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है वैकेंसीज आने को लेकर के। 30,000 वैकेंसीज का है यहाँ पर पूरा एक शेड्यूल, जिसमें कि 10-10 हज़ार वैकेंसी हर साल आने वाली है। 10,000 वैकेंसी हमारी 2023 में है, 24 में और फिर 25 में भी यहाँ पर आएंगे, ऐसा कहना है यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री का। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बिकॉज कोई चेंज नहीं है। कंसिडरेशन में पुरानी चीज़ें ही इन्होंने रखी हैं, कुछ अगर चेंज होता है तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल कोई चेंज नहीं है। तो सवाल मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स का आ रहा था, EMRS 2024 2.0 को लेकर के, कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे या फिर एग्जामिनेशन कब से होंगे, सवाल बनते भी हैं। और ये बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको ध्यान में होगा कि लास्ट टाइम भी एक लंबे टाइम से जो है तैयारी बच्चों ने की, और पेपर भी हुआ 16, 17, 23, 24 दिसंबर को, बहुत जल्दी रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे में पेपर का लेवल काफ़ी शानदार था, बेहतर था, हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया, प्रिपरेशन भी काफ़ी जोरों शोरों से की। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें कंसिडरेशन में रख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका देखिए, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो अप्रैल से पहले फॉर्म नहीं यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है। अप्रैल से हो सकता है कि एक यहाँ पर मोटा मोटा एक नोटिफिकेशन रिलीज हो, बट फॉर्म फिलिंग का जो एक पर्टिकुलर डेट है वो अप्रैल से पहले स्टार्ट नहीं होने जा रहा। एक डेकोरम होता है गवर्नमेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस को कराने का, कम से कम 3 महीने का, तो अगर अप्रैल से लेकर के हम मई तक कंसिडरेशन में रखते तो 1 महीना फॉर्म भरने में, जो लास्ट ईयर भी हुआ। ठीक है, इसके बाद मई तक के बाद अगर जून का पूरा महीना मैं छोड़ दूँ तो UGC नेट में ऑक्यूपाइड है, जो कि यहाँ पर 10 जून से और 21 जून के बीच में पेपर कंडक्ट करवाने वाले हैं। अगस्त में CTET का पेपर है, तो EMRS में TGT PGT में ही यहाँ पर आपके फॉर्म आने वाले हैं। TGT में CTET वालों को कंसिडरेशन में रखा जाता है, तो अगस्त में ही, जब तक CTET का पेपर नहीं हो जाता उसके बाद ही हम EMRS के पेपर को जो है यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं, है ना। तो ये तो था एक कह सकते हैं कि रफ एंड टफ आइडिया। कुछ चेंज अगर होता है बीच में, कोई चमत्कार वाला सिनेरियो होगा तो जरूर इसके बारे में बात करेंगे, राइट। अब ये है कि भाई तैयारी के लिए कितना टाइम है, मार्च का टाइम है, ऑलमोस्ट आधा मार्च आपके हाथ में है, उसमें VPSC चल रहा है आपका। अप्रैल में अगर बात करूं तो इसी बीच में आपका DSSS भी अप्रैल मार्च में भी ऑलरेडी चल रहा है, जून में फिर यहाँ पर UGC NET का पेपर भी है, तो बच्चे ऑलरेडी टीचिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से देखे, ग्राउंड फिगर करके, तो 6 महीने का टाइम आपके हाथ में है। और EMRS का 2023 का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के फाइल सेक्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। पेपर के पैटर्न के लेवल को काइंडली चेक इट आउट, नहीं तो मुश्किल हो पाएगा। पेपर का लेवल बहुत बेहतर था, जो कि होना चाहिए, है ना। कंपैरिजन की अगर बात करते हैं, BPSC के लेवल का नहीं था उसके सामने, शायद EMRS बहुत अपर लेवल का था पेपर, और काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक अच्छा खासा सिलेबस है ना, GS का पूरा पेपर है, लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड रही 23 वाली सिनारियों में भी, तो उसके ऊपर कमांड करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें, बाकी बातें करते रहेंगे इसके बारे में, और कोई सवाल अगर रह गया तो पूछेगा कमेंट बॉक्स में। और 2.0 EMRS की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 70 से 80 वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको देखिए एक बार जा करके, काफ़ी कुछ पेपर आसान करेगा ये आपके लिए, और टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी कुछ कंटेंट एड ऑन करने वाले हैं। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बाकी भी बातें करते रहेंगे। बाकी DSSS का जो आपका कंटेंट है वो प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर के बीट द कॉम्पिटिशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सारी इन्फॉर्मेशंस, टेस्ट सीरीज, अपना कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को जो है एक नेक्स्ट फेज पे ले जा सकते हैं। फिर भी कोई सवाल रहेगा हो तो कमेंट करके पूछिए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।